Assalamualaikum. Sorry, there was a confusion. Adnan bhai will be coming here live. And आप सुनाइए कैसे हैं. अभी थोड़ी ही देर में he'll join us. Adnan से देखी. And Adnan bhai is one of my very very dear friends in the industry. बहुत बहुत प्यार है मेरा उनसे. और definitely आप सब उनको जानते हैं. He is the one who has been working here in this industry for more than 20 years as lead. और माशाल्लाह बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया, हॉलीवुड में भी किया. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही विल बी जॉइनिंग इन अ कपल ऑफ मिनट्स. यहीं इसी जगह पे. आप बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, एंड हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग. थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बेहतर नजर आऊँ. जी जनाब. ऑलराइट. सो हाँ जी, अल हमजा, अली हमजा, थैंक यू सो मच. इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड लेट मी चेक इफ अदनान भाई इज़ हियर और नॉट. नॉट एज़ ऑफ़ येट. ओके. सो सितारा, सितारा कुल मेनन, हेलो, हाय. नीरव जाफरी, हेलो. अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही तो मैं एक काम कर सकता हूँ. आई होप अब आपको थोड़ी आवाज़ बेहतर आ रही होगी मेरी. जी, मोहम्मद समीर सोमरो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उमर कुरैशी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था और बताया कि मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही. सो उमर, इज़ इट फाइन नाउ? अच्छा जी. वासिक हयात, बहुत बहुत शुक्रिया वासिक फॉर लाइकिंग तुम कौन पिया फ्रॉम इंडिया एंड वॉचिंग जो तू चाहे शाहनवाज़. थैंक यू सो मच. आई लाइक यू सो मच इमरान भाई. ए एस एच, ये क्या नाम है, एस अंडरस्कोर. अच्छा. फ्रॉम शिकागो सनो, सॉरी यार, सफ़ी अब्बासी, आपका ड्रामा बहुत अच्छा है. थोड़ा सा थैंक यू सफ़ी. मेरी आँख अभी तक सही नहीं हुई, आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी इस आँख में प्रॉब्लम है. लेकिन इस क्वारंटाइन की बदौलत मैं घर में मुझे आराम करने का थोड़ा सा वक्त मिल गया है. सो फॉर्चुनेटली आई एम नॉट वर्किंग दीज डेज, नोबडी इज़ वर्किंग. एंड हम सबको इतने क्रूशल वक्त में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो कि माहाना आमदनी कमाने के लिए निकलते हैं और वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीने से तकरीबन घर में बैठे हुए हैं बिकॉज देर इज़ नो वर्क. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट देम. एंड यस, अपनी चैरिटी या जो भी आप डोनेशन देना चाह रहे हैं वो प्लीज़ आप उन लोगों को दीजिए जो डिज़र्व करते हैं, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग भी निकल आए हैं जो कि गरीबों का और असल हकदारों का हक खा रहे हैं. सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट इफ़ यू वांट टू डू सम चैरिटी और मेक सम डोनेशन और आप किसी को कुछ पैसे देना चाहते हैं तो डू गिव इट टू द राइट पीपल, पीपल हु आर डिज़र्विंग एंड हु आर एक्चुअली नीडी इन द रियल सेंस. तो जी जनाब, लेट्स वेट फॉर अदनान सिद्दीकी टू कम हियर एंड वील बी लाइव एंड वील बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. अदनान भी, इफ़ यू आर लाइव हियर देन प्लीज़ सेंड मी अ टेक्स्ट.
बहुत शुक्रिया बलजीत, बलजीत ओके, हट परे, थैंक यू सो मच, हट परे वॉज अ नेम एक्चुअली, सो थैंक यू हट परे, खुदार मोहब्बत जी, इमरान जी, सो ट्रू, थैंक यू जमाल, जमाला मिस इन इंग्लिश प्लीज़, ओके आई वुड लव टू स्पीक इन इंग्लिश बट देर आर सो मेनी पीपल, देर आर सो मेनी फैंस ऑफ माइंड, देर सो मेनी फॉलोअर्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो आई हैव टू बी बाईलिंगुअल, आई विल कीप स्विचिंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, सो डोंट वरी जी. एंजल माही, द पिक्चर्स आई एम पोस्टिंग दीज डेज, ऑल ऑफ देम आर नॉट द करंट पिक्चर्स बिकॉज नो बडी कैन ट्रैवल राइट नाउ, एट दिस पॉइंट इन टाइम एवरीबडी इज isolating and doing some self quarantine, so we cannot definitely take a vacation or visit anywhere, and I won't recommend any of you to please please leave home, no please no please don't. Adnan Siddiqui sahab aa gaye hain and let's take him live if I don't know why this window is. यस यस आई एम लाइव अगेन एंड इन माई प्रीवियस लाइव चैट आई वॉज इनफॉर्मिंग यू गाइज बिकॉज आई डोंट थिंक दैट द पर्सन हु इज अबाउट टू कम ऑनलाइन डजन आई थिंक ही डजन नीड एनी इंट्रोडक्शन, एनी इंट्रोडक्शन, ही इज माई फ्रेंड, माई डियरेस्ट ब्रदर, ही इज नॉट popular only here in Pakistan, but he has made his name in Bollywood and Hollywood. So he's one of those very few people in Pakistan who have explored these three woods. So the sky's the limit for my friend Adnan Siddiqui, who is online. So let's take him live. Yay. अदान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, लुकिंग गुड एज एवर, थैंक यू सो मच. कराची वापस आ गए फाइनली आप सारी दुनिया के चक्कर लगा के. यार बस पहुंच ही गए कराची, और जो और वो एक्सपीरियंस बताएं वापस आने के बाद आपने जो एक क्वारंटाइन में आप चले गए थे वो क्या कहानी थी? यार वापस आने के बाद हुआ ये कि हम अच्छा अभी भी हम क्वारंटीन में है, ठीक है ना, तो उस वक्त तो आइसोलेशन में थे और अच्छा पहले मुझे बता दें कि लफ्ज क्वारंटाइन होता है क्वारंटीन होता है, कि लफ्ज पहली दफा हमारी जिंदगी में आया है, हमें पता ही नहीं कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है सही. क्वारंटाइन कह दो क्वारंटीन कह दो एक ही चीज है, कोई मसला नहीं. क्वारंटीन वैसे इससे पहले क्वारंटीन हो गया और मगर हम थे आइसोलेशन के अंदर तकरीबन 14 दिन तक मैं और हमायो अपने कमरों से नहीं निकले. तो लिटरली कहाँ थे आप? हम होटल में थे. कौन सा होटल था ये? ये अपना अच्छा ठीक है ठीक है ओके ओके. लेकिन ये के लेकिन ये के लोगों को पता नहीं, नहीं, नहीं था कि आप वहां, वरना तो वी वर एट पीसी, पीसी कराची. अच्छा 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 हाँ अच्छा सो वहाँ बहुत ही पहले हम मोवनपिक में थे, मगर मोवनपिक में हुआ ये कि अब एक तो बहुत बड़ा होटल है, वो तो बड़े डिप्रेशन हो गया था उधर यार, और वो रात को ना अपनी आइल की लाइट्स भी बंद कर देते थे क्योंकि उस वक्त अच्छा अच्छा ऑक्यूपेंसी थी, वो तकरीबन 40 रूम थे उधर एंड अच्छा बस हाँ और नहीं 40 नहीं सॉरी 12 ओ और अच्छा और तो उसके में 20 कमरे थे. हाँ मतलब मेरे पूछने का मकसद यही था कि कौन सा होटल था, क्योंकि होटल तो सारे बंद हो गए मेरा ख्याल है, अब तो कोई वो ही नहीं कर हाँ रहे, एंटरटेन ही नहीं कर रहे गेस्ट को यार. एक्चुअली उस वक्त वो देखो हर रोज एक ये सिचुएशन बदलती जा रही है, तो पता नहीं था ना कि क्या होगा, कि एवरी डे देयर वाज अ न्यू पिक्चर, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये इतना हो गया. जब हम गए थे अमेरिका तो ऐसा नहीं था, मगर वहां पहुंचे तो भी ऐसा नहीं था, मगर कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे और फिर डर लगने लगा यार, कि बस फिर ये था कि यार मुझे नहीं कुछ करना, मुझे घर जाना है यार. लेकिन चले मौका मिल गया आपको आने का, नहीं तो उसके बाद तो फिर सब बंद हो गया, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है और शी इज लाइक
अब उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और वो बेचारी परेशान है, शी इज प्रेजेंट आई नो होम शी इज ऑसम, अरेस्ट। शी इज विद अ लवली ब्रदर, और क्या चाहिए भाई। हाँ लेकिन वो अपने बच्चों को और फैमिली को वहां भी छोड़कर आई है, तो वहां भी परेशानी। अब ये जब दूर चले जाते हैं ना लोगों को, तो ये बड़ी मुसीबत होती है कि उनके दिल दूसरी जगह पे रह जाते हैं, और जैसे वहां चला जाता है, तो उनके साथ भी यही हो रहा है कि वो। सही कह रहे हो, मगर यार ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी अभी कुछ दिनों तक है। और सीरियसली मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर अगर हम अगर नहीं सीखा हमने कुछ, तो ये 14 दिन क्या, ये महीना क्या, ये तो 6 महीने में भी नहीं खत्म होने वाला फिर ये सिलसिला। आर्मी बिल्कुल, अभी एहसास अभी स्पेशली इन कुछ दिनों की, मेरे ख्याल एक बड़ा नेचर की तरफ से एक एक्सरसाइज थी कि हमें ये अंदाजा हो गया कि जिंदगी में क्या चीज प्रायोरिटी रखती है, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज बिल्कुल बेमानी है। जिंदगी में कितनी ही चीजें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, वो अंदाजा हुआ कि अब कितनी बेवकत है, जबकि हम उनको इतनी प्रायोरिटीज दे रहे होते हैं। और असल चीज वाकई वही है कि आपकी हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, योर आपके रिश्ते,